हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। आ चुका हूं आपके सामने एक राइड रिव्यू लेके। आज अपने साथ है ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R। तो इसका राइड रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बैठते से मुझे सीटिंग कंफर्ट लेवल का कैसा आ रहा है। देखो, बहुत कंफर्टेबल सीट रहने वाला है और सीट हाइट नीचे रखा गया, लगभग 794 mm का इसमें सीट हाइट है। मतलब 5.5 पे तो बहुत आराम से चला सकते हो, 5.4 भी इसको बहुत कंफर्टेबल तरीके से चला सकते हो। इसका कर्व वेट बहुत हल्का रखा गया है, 125 cc के हिसाब से देखा जाए तो 136 kg है। लेकिन चलाने और बैठने के बाद इसमें आपको कर वेट ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। मतलब जो आएगा ना बैठने का, आपको पोजीशन आ रहा है ना, इस पर ग्रिपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आ जाएगा। ग्रिपिंग अच्छा आएगा तो आप अच्छा कट वगैरह मार सकते हो, अच्छे चला सकते हो। पावर और पिकअप मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्टेंट उठा रहा है। तो इनिशियल इसमें पिकअप अच्छा दिया गया है। लगे हाथ बात कर लेते हैं इसके इंजन की। 125 cc का ये बाइक है, इसमें आपको 124.7 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है और BS6 Phase 2 अपडेटेड मिलता है। मतलब BS6 Phase 2 मतलब E20 अपडेटेड इसमें आपको इंजन ऑलरेडी मिल रहा है। पावर इसमें आपको अच्छा मिल रहा है, 11.4 bhp का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा और 10.5 Nm का टॉर्क मिल रहा है। तो पावर और टॉर्क तो इसमें अच्छा मिल ही रहा है और कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा आएगा। मतलब एक जो यंगस्टर को चाहिए ना वही आएगा इसमें, क्योंकि इसका जो पकड़ेंगे हैंडल है ना, बहुत स्पोर्टी टाइप फील आ रहा है। ज़्यादा आपको लीन भी नहीं होना पा रहा है और ज़्यादा एकदम स्ट्रेट भी नहीं, अच्छे से बैठ जाओगे। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है थोड़ा कर्व वाला, उसकी वजह से भी सीटिंग पोस्चर इसमें आपको अच्छा आएगा और लुक तो इसमें आपको दमदार दिया ही गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ देखो, हीरो वालों ने 125 cc में भी आपको यहाँ पे सिंगल जेल ABS दे दिया है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको यार। यहाँ फ्रंट में आपको 276 mm का बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है ABS के साथ और रियर में आपको यहाँ ड्रम ब्रेक मिलता है। वैसे इसमें आपको दो वेरियंट्स और अवेलेबल है, मतलब और नहीं, मतलब ये ABS वाला और एक नॉन ABS। नॉन ABS में यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको यहाँ फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलेगा, उसमें भी आपको डिस्प्रेक मिलेगा। 240 mm का डिस्प्रेक उसमें मिल जाएगा और ABS वाले में 276 mm का डिस्प्रेक मिल जाएगा। बात करते हैं सस्पेंशन की। अभी सामने ब्रेकर आने वाला है, ब्रेकर पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा सस्पेंशन इसका कैसा है। थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये देखो ब्रेकर, मैं यहाँ पे धीरे नहीं करने वाला हूँ। ओके, देखो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में जो कि अच्छा है। साथ में जो पीछे दिया गया है ना, आपको मोनोशॉक दिया गया है और वो मोनोशॉक नॉर्मल नहीं है, सोवा का मोनोशॉक दिया गया है। 125 cc सेगमेंट पे आपको यहाँ सोवा का मोनोशॉक मिल जा रहा है और कंफर्ट लेवल तो पूछो ही मत। आपको पता ही, सोवा का मोनोशॉक बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, फीचर्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और अभी बात करते हैं मीटर कंसोल की, फुली डिजिटल मिल रहा है, साथ ही साथ गियर पोस्चर इंडिकेटर मिल जा रहा है। देखो 125 cc में आपको गियर पोस्चर इंडिकेटर मिल जा रहा है। मैंने बहुत 150 cc भी देखा है जिसमें आपको गियर पोस्चर इंडिकेटर नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल बहुत अपडेट आ गए हैं उसमें आपको मिलने लगा है, लेकिन ये लॉन्च होते से इसमें आपको गियर पोस्चर इंडिकेटर वगैरह मिल जा रहा है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज क्लॉक, फ्यूल गेज और बाकी यहाँ पे ट्रिप मीटर मुझे दिख रहा है। तो ये सब फंक्शन है, ज़्यादा फंक्शन दिया नहीं गया है, ज़्यादा दिन नहीं जाएंगे तो प्राइस भी हाई हो जाएगा। अभी लगे हाथ बात कर लेते प्राइस की। सेकंड में बताया दो मॉडल है, ये ABS वाला मॉडल है, इसका ऑन रोड प्राइस पुणे में 1,23,000 के आसपास आता है और ऑन रोड पुणे इसमें CBS वाले मॉडल का 1,70,000 के करीब आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन बताओगे तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। अब इसके स्विच गियर पे आप ध्यान लगाओ, यहाँ पे देखो ये आपको पास लाइट का स्विच मिलता है, यहाँ पे आपको अपर भी लोअर भी। साथ ही साथ एक चीज़ देखो, 125 में आपको हज़ार्ड लाइट भी मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। मतलब यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, एक हॉर्न का मिल जाता है, इंजन किल स्विच के साथ ही इग्निशन इंटीग्रेटेड आपको इग्निशन का बटन वगैरह मिल जा रहा है। और इस बाइक में आपको ऑल LED दिया गया, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर LED, सब कुछ इसमें आपको LEDs के मिल जा रहे हैं। और लुक वाइज आप देख ही रहो इसका कितना मस्कुलर टैंक दिया गया है, ग्रिपिंग वगैरह अच्छा आएगा। उसमें आपको टैंक काउल वगैरह भी बहुत साफ लुक में दिया गया है और फ्रंट से भी देखोगे ना तो बहुत इसमें आपको अच्छा लुक दिया गया है, एग्रेसिव सा लुक दिया गया है। ये बाइक ना यंगस्टर के बीच में बहुत फेमस रहने वाला है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये बाइक, मतलब अलग से एक दिख रहा है। वैसे इसमें को तीन कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो है रेड कलर है, इसके अलावा आपको ब्लू भी आता है और ब्लैक भी आता है। पर आप ध्यान से देखोगे ना, ये रेड कलर है ना, इसके अलावा भी इसमें ना आपको यहाँ पे 3-tone कलर में दिया गया, सिल्वर, ब्लैक और रेड के कम्बिनेशन में दिया गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे खड्डा वड्डा आ रहा है आप देख रहे हो,
तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसको चला सकते हो। ऑफ रोडिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ रास्ते ख़राब हैं, जहाँ के आज के हर जगह रास्ता ख़राब है, आप हाईवे पे चले जाओ तो हाईवे का भी कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है नहीं, ख़राब ही मिल जाता है। वैसे ख़राब रास्ते पे भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना नीचे से सटने का, वो बहुत ज़्यादा दिया गया, 180 mm का भी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो 180 mm की वजह से ना ज़्यादा यहाँ पे टच नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका इंजन का भी सेफ्टी हो जा रहा है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, मतलब ख़राब रास्ते पे इसको अच्छे से चला वगैरह सकते हो। तो एक प्लस पॉइंट आ रहा है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर बात करते हैं। भाई साहब ना साइड दे रहा है ना साइड ले रहा है। ये तो छोटा सा वीडियो था राइड रिव्यू के ऊपर, मैं बस चला के आपको दिखाना चाह रहा था, कुछ फीचर्स के बारे में बताया मैंने, शायद माइलेज में आपको बताना भूल गया। देखो इसमें कुछ दमदार माइलेज मिलने वाला है, एक 125 सीसी का एक नया इंजन इसमें यूज होता है, लेकिन ट्यूनिंग अच्छी की गई है, 60 से 65 KMPL का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। जिनके पास ये बाइक है आप मुझे कमेंट सकते हैं, बता सकते हैं उसको माइलेज क्या मिल रहा है। वैसे आप हीरो का कोई बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो खांडगी ऑटोमोबाइल तलेगांव में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो अपनी फ़ोन पर बुकिंग ले सकते हैं या शोरूम में डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा आप वहीं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।